नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति ही शक्ति चैनल पर। यहाँ हम भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा का गहन और आध्यात्मिक अर्थ। हनुमान जी की स्तुति न केवल भक्तिमय है, बल्कि इसमें छुपा है जीवन के हर संकट को हल करने का मार्ग। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा के हर पंक्ति का मतलब सरल हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को कैसे ऊर्जावान बनाती है। तो चलिए भक्ति भाव से जुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा के पहले श्लोक से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। गुरु के चरणों की रज से मन को शुद्ध करना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, जिससे भीतर का दिव्य सत्य स्पष्ट दिखने लगता है। बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। श्री राम के निर्मल यश का स्मरण जीवन के चार मुख्य पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने में सहायक होता है। बुद्धि तनु जाड़ी के सुमिरो पवन कुमार। अपनी अज्ञानता का बोध कर अपने भीतर के सीमित सोच को त्यागते हुए हनुमान जी का स्मरण करते हैं, जो हमारी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। बल बुद्धि विद्या दे कलेश। हनुमान जी से प्रार्थना है कि वे हमें आंतरिक शक्ति, विवेक और सच्चा ज्ञान दें और हमारे सभी मानसिक विकार व दुख दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीश तिहु लोक उजागर। हनुमान जी ज्ञान और सद्गुणों के अथाह सागर है, जो तीनों लोकों में अपनी अलौकिक शक्ति और प्रकाश से विख्यात है। यह हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान और सद्गुण ही आत्मा का वास्तविक प्रकाश है, जो तीनों लोकों भूत, भविष्य, वर्तमान में व्याप्त रहता है। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी राम के संदेश वाहक और अतुलनीय शक्ति के धाम है। उनका नाम अंजनी पुत्र और पवन सुत उनके ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य को दर्शाता है। यहाँ हनुमान जी हमारे अंदर की दिव्य शक्ति और भक्ति को जागृत करने का प्रतीक है, जिससे हम राम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महान वीर और अदम्य शक्ति के प्रतीक हैं। वे अज्ञान और नकारात्मक विचारों का नाश कर सद्बुद्धि का साथ देने वाले हैं। उनका स्मरण करने से हमें सही दिशा मिलती है और मन की अशुद्धियों का नाश होता है। कंचन बरंग बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी का स्वर्णिम शरीर और दिव्य रूप उनके शुद्ध और तेजस्वी आंतरिक गुणों को दर्शाता है। उनके घुंघराले बाल और कानों में कुंडल हमें यह स्मरण कराते हैं कि वे भक्ति और शक्ति का सजीव रूप है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे जने। हनुमान जी के हाथ में वज्र अटल संकल्प और ध्वजा सत्य का प्रतीक, उनके अनंत साहस और दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। उनके कंधे पर जनेऊ उनके आध्यात्मिक पथ पर अडिग और धर्म परायण होने का संकेत देता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। हनुमान जी शिव जी के अंश और केसरी के पुत्र हैं, जिनका तेज और प्रभाव इतना दिव्य है कि संसार उनका आदर करता है। वे साधकों के लिए परम आदर्श हैं, जिनके तेज और प्रताप से ही समस्त संसार उनकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी का ज्ञान और गुण उनके तप और भक्ति से जागृत हुए हैं और उनकी चतुराई राम के कार्य में सेवा करने की तत्परता में समर्पित है। उनका संपूर्ण जीवन
ईश्वर सेवा की लगन में स्थित है। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी भगवान राम के चरित्र सुनने में गहन आनंद पाते हैं और उनके मन में राम लक्ष्मण और सीता सदा बसे रहते हैं। यह भक्ति का चरम रूप है जहाँ भक्त और भगवान का एकत्व स्थापित हो जाता है। सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जराबा। हनुमान जी का सूक्ष्म रूप उनका विनम्र स्वभाव दर्शाता है, जबकि विकट रूप उनके भीतर छिपी हुई शक्ति और साहस को प्रकट करता है। वे हर परिस्थिति में वही रूप अपनाते हैं जो ईश्वर की सेवा में उचित हो। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी ने अपने भीम रूप से अधर्म और असुरों का संहार किया और राम के कार्य को पूर्ण किया। इसका तात्पर्य है कि भक्त अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर परमात्मा के उद्देश्य को पूरा करता है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उड़ लाए। यहाँ हनुमान जी की आत्मिक शक्ति और करुणा का वर्णन है। जीवित संजीवनी लाकर लक्ष्मण को बचाने का कार्य बताता है कि कैसे हनुमान हर जीव की सहायता के लिए आत्मबल से प्रेरित है। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। श्री राम द्वारा हनुमान को भाई भरत के समान प्रिय कहना उनके भक्ति और सेवा भाव को दर्शाता है। यह भक्ति के मार्ग में साधक और भगवान के बीच के गहरे प्रेम का प्रतीक है। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हनुमान जी के गुणों का वर्णन सहस्रों मुखों से भी नहीं हो सकता और उन्हें गले लगाते हैं। यह भक्ति की अनंतता को व्यक्त करता है जो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यह श्लोक बताता है कि महान ऋषि मुनि ब्रह्मा नारद और सरस्वती जैसे दिव्य ज्ञान के स्रोत भी हनुमान के यश का गुणगान करते हैं। इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति का महत्व सभी देवताओं और ऋषियों द्वारा मान्य है। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कह सके कहाते। यमराज कुबेर और दिक्पालों का प्रभाव जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ तक आपकी महिमा है, जिसे कोई भी कवि या बुद्धिमान व्यक्ति पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यह आपको असीम शक्ति और दिव्यता का प्रतीक बनाता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। आपने सुग्रीव की सहायता की और उन्हें राम से मिलवाकर राजपत दिलवाया। यह दर्शाता है कि आप भक्तों को उनके सच्चे लक्ष्य और दिव्य मार्ग पर स्थापित करते हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र को मानकर विभीषण ने लंका पर राज्य पाया, जो यह सिखाता है कि आपकी कृपा और मार्गदर्शन से हर भक्त के जीवन में उन्नति और विजय होती है। जुग सहस्त्र जो जड़ पर भानु, लील उताही मधुर फल जान। आपने सूर्य को हजारों योजन दूर होते हुए भी मधुर फल समझकर निगल लिया। यह आपकी अतुलनीय शक्ति, इच्छा शक्ति और भक्ति की गहराई का प्रतीक है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। राम की मुद्रिका मुख में रखकर आपने समुद्र पार कर लिया। इसका अर्थ है कि प्रभु की भक्ति और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। यह आपकी दिव्य सहायता से सब बाधाओं का समाधान होने का प्रतीक है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुम राम के द्वार के रक्षक हो, तुम्हारी अनुमति के बिना कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी आत्मा के रक्षक हैं, उनकी कृपा के बिना मनुष्य दिव्यता के द्वार पर नहीं पहुंच सकता। सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी तुम्हारी शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, और तुम रक्षक हो तो किसी प्रकार का भय नहीं होता। सच्चे भक्ति भाव से शरण में आने वाले के सभी भय और कष्ट हनुमान जी दूर कर देते हैं, उसे परम शांति मिलती है।
आप पढ़ तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। अपने तेज को तुम स्वयं ही नियंत्रित करते हो, परंतु जब गरजते हो तो तीनों लोग कांप उठते हैं। हनुमान जी का दिव्य तेज उनके आत्म संयम में निहित है, जो ब्रह्मांड की हर नकारात्मक ऊर्जा को भयभीत कर देता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। हनुमान जी का नाम जपते ही नकारात्मक विचारों और ऊर्जाओं से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि उनका नाम ही शुद्धता का प्रतीक है। नासे रोग हरे सब बीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो भी हनुमान जी का निरंतर जप करता है उसके सभी रोग और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी का निरंतर स्मरण करने से आत्मिक और शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य संतुलित व स्वस्थ रहता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। जो मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करते हैं वे सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान जी में एकाग्रता और पूर्ण श्रद्धा रखने से सभी प्रकार के मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक संकट समाप्त हो जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान राम के तपस्वी राजा होने के कारण उनके सभी कार्यों को सफल बनाने का श्रेय आपको हनुमान जाता है। अब राम के अधीन कार्यों को सिद्ध करते हैं, जैसे एक सच्चे भक्त का कार्य होता है। यह श्लोक दर्शाता है कि जब हम अपने इष्ट राम के कार्यों में विश्वास और भक्ति से समर्पित रहते हैं तो परमात्मा हमें अपने कार्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी अपने मन में किसी पवित्र उद्देश्य मनोरथ को लेकर आपको स्मरण करता है वह अत्यधिक फल प्राप्त करता है, जो जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों से परिपूर्ण होता है। इसका तात्पर्य है कि अगर हमारे उद्देश्य और आकांक्षाएं सत्य और दिव्य मार्ग से जुड़ी हों, तो हनुमान जी की कृपा से वे पूरी होती हैं, जिससे हमें आत्मा के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों में प्रसिद्ध है। आपके द्वारा प्रकट होने वाले अद्वितीय कार्य और महिमा पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। यह श्लोक हनुमान जी की कालातीत महिमा को दर्शाता है। वह हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैलाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब साधु संतों के रक्षक और असुरों के संहारक हैं। आप राम के प्रिय भक्त हैं, जो उनके अनुकूल कार्यों में सदा समर्पित रहते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि हनुमान जी हर प्रकार के भक्तों साधु और असुर के बीच भेद करते हुए राम की इच्छा के अनुसार संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता जानकी सीता ने यह वरदान दिया कि वे अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता होंगे, अर्थात वे संसार के सभी सांसारिक और आध्यात्मिक सिद्धियों और संपत्तियों को प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम का अमृत है, अर्थात राम के भक्ति और स्मरण में शक्ति है। हनुमान जी हमेशा रघुकुल के सेवक बने रहते हैं, जो पूरी तरह से समर्पित और निष्कलंक भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो व्यक्ति हनुमान जी का भजन करता है उसे राम का आशीर्वाद मिलता है और जन्मों के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि राम के नाम में शरण लेने से संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंतिम समय में जो हनुमान जी का ध्यान करता है वह रघुकुल के धाम अयोध्या पहुंचता है और वहां हरिभक्त के रूप में पूजित होता है।
यह जीवन की अंतिम अवस्था में भक्ति के प्रभाव को दर्शाता है। और देवता चित ना धरे, हनुमत से ही सब सुख करे। जिसके मन में हनुमान जी की भक्ति बसी हो, वह किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करता, क्योंकि हनुमान जी में सभी सुखों का दाता रूप है, अर्थात वे सभी देवी देवताओं के गुणों का संयोग है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट और पीड़ाएं मिट जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति से सब विघ्नों का नाश होता है और उनकी उपासना से जीवन में शांति और सुख आता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह श्लोक भगवान हनुमान की महिमा का उद्घोष है, जिसमें भक्त उनके अनंत बल, भक्ति और करुणा को नमन करता है। गुरुदेव की नाई का अर्थ है कि हनुमान की कृपा गुरुदेव की तरह निरंतर और अपार होती है, जो जीवन को संजीवनी देती है। जो शत बार पाठ कर कोई, छुटे ही बंदी महासुख होई। यह श्लोक इस बात को व्यक्त करता है कि जो व्यक्ति इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सभी बंदी गृहों से मुक्त हो जाता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। यह दिखाता है कि नियमित भक्ति से सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि आध्यात्मिक सफलता से प्राप्त होती है और गौरीशे भगवान शिव की साक्षी दी जाती है। यह बताता है कि हनुमान और शिव की कृपा से जीवन में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय, नाथ हृदय महडेरा। यह श्लोक संत तुलसीदास की निष्ठा को दर्शाता है, जो अपने हृदय में भगवान राम और हनुमान का निवास चाहते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने हृदय में भगवान का वास स्थापित करें, ताकि हमारी जीवन यात्रा पवित्र और दिव्य हो सके। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। हनुमान जी पवन वायु के पुत्र हैं और उनके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है जो सभी प्रकार के संकटों को नष्ट कर देती है। वे शुभता के प्रतीक हैं, जो हर संकट और कष्ट को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू। यह प्रार्थना हनुमान जी से है कि वे राम लक्ष्मण और सीता के साथ मेरे हृदय में वास करें। जब मनुष्य का हृदय भगवान के दिव्य स्वरूपों से भरा होता है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्रेम और भक्ति से पूर्ण होता है, जिससे आत्मा को शांति और अनंत सुख मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने हनुमान चालीसा के इन पंक्तियों का आध्यात्मिक अर्थ समझा। यदि आप भी इन विचारों से जुड़ते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भक्ति ही शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस भक्ति यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।